ठीक है भाई, कर देंगे। हाँ सर, हाँ रूट 3 में आंसर छोड़ सकते हैं या फिर उसे 1.732 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? देखो, अब आप छोड़ सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में रूट 3 की वैल्यू दी होती है, तो आप मल्टीप्लाई ये कर सर दोगे तो फिर फिर कर सकते हैं। कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका मान लो कभी इस तरीके से आंसर आता है 1/√3+1, तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे, फिर उसको रेशनलाइज फॉर्म में आंसर सर देना है फिर आपको, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में तो पता ही चल जाएगा कैसे ऑप्शन हाँ है एमसीक्यू उसके। में तो पता लग जाएगा तुमको, सब्जेक्टिव में तुमको देख लेना किस तरह है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, चलो बाद में बता देंगे, बेस्ट 2 वालों के लिए वो एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो। इन सभी क्वेश्चन में तुम फोटो बना लो और आंसर निकल आएगा। सर आपने कॉल सर 7.5 7.5। किसकी हाइट आई है ये, टावर की? सर टावर। नहीं यस गलत है। सर अच्छा हाँ टोटल हाइट होगी ना 7.5, सही है। ओके देखो इसका फोटो बना लेते हैं अपन। एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है। ओके तो मान लो ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और इस पे अपन ने टावर बना लिया इस तरीके से, एंड इट्स सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है ना, इस तरीके से एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर अपने ऐसे फ्लैग लगा दिया, और उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। उस फ्लैग की हाइट दे रखी है अपने को, यहाँ से ये जो मैंने फ्लैग लगाया है, इस फ्लैग की हाइट मेरे को 5 मीटर दे रखी है इक्वेशन में। ओके एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। देखो क्या बोला, एट द पॉइंट ऑन द प्लेन, अब ये जो प्लेन था मेरा, इस प्लेन पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो तुम, मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, और क्या बोल रहा है, अब देखो वापस से रीड करो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम कहाँ पर है इस फ्लैग का, ये रहा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, तो यहाँ से इस एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, किसके लिए, इस एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है किसके, फ्लैग के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और इस फ्लैग का जो टॉप है वहां से, मतलब एक तो एंगल देखो क्या कहना चाह रहा है, एक तो यहाँ से एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, और एक इसके टॉप से यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये कह रहा है वो, है ना, थोड़ा सा पॉइंट इस तरीके से ऐसा एंगल बन रहा है। अब वो एंगल कितना कितना है, देखो लिखा हुआ है आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60 डिग्री, मतलब क्या है, पहले तो बॉटम की बात करी थी इसने, तो बॉटम पे एंगल कितना है 30, और टॉप पे एंगल कितना बन रहा है 60, तो सिक्सटी ऐसा ही बन गया अपना, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये टावर अपना नीचे वाला ही तो था, तो मान लो इसकी हाइट कितनी है एच, तो अपने को ये एच निकालना है, क्लियर, समझ आया सबको वो यस तो। सर टू यस पॉइंट सर फाइव अब बस कुछ नहीं, टू दो पॉइंट बार फाइव है। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ दो बार ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, क्या करोगे, देखो एक तो नीचे वाला ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, इट मीन्स मैं लिखूंगा 10√30 एच अपॉन एक्स, ठीक है, 10√30 कितना होता है 1/√3 = h/x। अब देखो क्वेश्चन में मेरे को एक्स नहीं निकालना, मेरे को एच निकालना है, इसका मतलब मेरे को एक्स को इलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं एक्स के लिए निकाल लेता हूँ कितना, h/√3, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स के लिए निकाल ली कितनी, सॉरी h√3, सर h√3 आएगी, h√3, एक्स के लिए कितनी आ गई h√3, मतलब एक्स कितना आ गया मेरा h√3। ओके अब मेरे को निकालना क्या है क्वेश्चन में, हाइट निकालनी है, तो मैं अब दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में 10√60 लगा दूंगा, तो 10√60 = तो कितना हो जाएगा बताओ, h+5/h√3, रू थ्री और 10√60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इट मीन्स ये कितना हो गया अपना 3h हो गया, क्या 3h सर इक्वल टू
एच प्लस फाइव मतलब टू एच इक्वल टू फाइव, तो एच क्यूब कितनी आ गई बताओ, 2.5। तो हाइट ऊपर वाले फ्लैगस्टाफ, सॉरी ऊपर नहीं नीचे वाले जो टावर है इसकी हाइट कितनी आ गई 2.5। अब इसने क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा 2.5 ही आएगा, 7.5 कैसे आएगा तुम्हारा, 7.5 पूछी टावर की, तो टावर तो नीचे वाला है ना, तो टावर की हाइट टोटल हाइट है वो तो 7.5 तक, ठीक है, और टावर की हाइट कितनी है 2.5, ठीक है क्लियर। यस चले आगे, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करो। पहले इसका अच्छा सा फोटो बना लो, ठीक है, हाँ भाई आंसर आया किसी का, सर 12 मीटर, कितना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, तो 12 किसका आंसर आया, दो क्वेश्चन पूछे उसने अपने को सर हाइट का सर, ओके तो हाइट 12 आ गई अपने पास मतलब, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग कितना आया सर 4√3। तुम्हारे दोनों गलत है शायद, सर शायद हाइट और डिस्टेंस सेम ही आएगी, दोनों गलत है तुम्हारा, हाँ दोनों सेम आएंगे और दोनों ही गलत है, इसका फोटो बनाओ पहले सही, तुमने कुछ गलती की होगी बनाने में, क्वेश्चन रीड करो ठीक से। सर 8 आ रहा है सर, 8 मीटर नहीं, सर बिल्डिंग की हाइट 10 आएगी, डिस्टेंस बिटवीन द 12 + 4 भाई 8 तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन रीड करो पहले ध्यान से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, और वहां से अपने को एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, ठीक है टॉप पे और बॉटम पे, ठीक है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके टॉप पे और बॉटम पे अपने को एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करना है, और किस एंगल पे करना है 30° एंड 45° के एंगल पे, क्लियर। आगे क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, हाँ बोलो सर 4√3 + 1 और सर 4√3 √3 + चलो देखते हैं, 12 + 4√3 आ रहे दोनों, देख लेते हैं पहले, मैं इसका बना लेता हूँ फोटो क्या है, देखो जैसे मान लो क्या बोला है इसने, दो बिल्डिंग है अपने पास में, एक तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मान लो ये मेरी बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, अब क्या बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, तो ये टॉप हो गया किसका, इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का, ये क्या है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और इसका टॉप कहाँ पे हो गया, ये मैंने मार्क किया ऊपर वाला पॉइंट मान लो ए पॉइंट, और इसका बॉटम कहाँ पे हो गया नीचे वाला, ये बी पॉइंट, ठीक है तो फ्रॉम द टॉप इसकी बिल्डिंग की हाइट है 8 मीटर, ओके अब क्या बोला है देखो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अब इसके सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो रही है ये इस तरीके से, ये बिल्डिंग है दूसरी, ये क्या है अपने पास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है दूसरी, तो देखो अब वापस से रीड करो क्वेश्चन क्या बोला है इसने, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप ये है और बॉटम ये है, तो फ्रॉम द टॉप कहाँ से, ऊपर वाले पॉइंट से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग
इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखें, कहाँ पे नीचे की तरफ देखना है, एक तो हमको कहाँ पे देखना है बताओ, इसके टॉप पे देखना है, जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना उसके टॉप पे देखना है और उसके एक बॉटम पे देखना है अपने को, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये समझ आया नहीं है बताओ, ये जो मैंने बनाया बस यही है। अब इसमें अपने को एंगल दे रखे कितने, 30 एंड 45। तो इसके टॉप पे जो एंगल है वो कितना है, 30। तो देखो मैंने बताया था सरफेस से बनेगा, तो ये वाला एंगल है 30 और ये वाला एंगल कितना है अपने पास, 45। लेकिन अब मैं इसको निकालू कैसे, तो मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा इस तरीके से, तो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से, है ना। तो ये वाला 30 है, तो बताओ ये 30 होगा नहीं होगा। हाँ बोलो सर, बिल्डिंग की हाइट 4+8 रूट ब्रैकेट √3+1 आ रही है, देखते हैं ना। तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा और ये पूरा 45 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। अब देखो क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी है, तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये भी 8 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो 8 होगा, इतना तो पता है मेरे को, बस मेरे को इतना और निकालना है। तो मान लो ये डिस्टेंस है कितनी, ये वाली हाइट कितनी है, एक्स है, और मान लेता हूँ इसको ये कितना है मेरा, वाई है। तो कुल मिलाकर मेरे को एक्स और वाई पता करना है, ठीक है, वाई तो 8 ही आएगा। हाँ देख लेते हैं। अब देखो इस वाले में ये जो फोटो है ना, कौन सा वाला फोटो, देखो इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में तुम लगा दो, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ना इस वाले में, इसमें अपन लगाएंगे 10:45 है ना। तो इसमें मैं लगाऊंगा 10:45 और 10 क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा पूरा 8+x और बेस कितना है y, 10:45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 8+x इक्वल टू कितना हो गया y हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई अपने पास में, क्लियर। लेकिन देखो यहाँ पे x और y दोनों अननोन है मेरे पास में, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो क्या करेंगे, अब मैं ऊपर वाला तुमको व्हाइट वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये व्हाइट वाला, अब इसमें लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो ये तुमको पता है ये y है, तो ये भी y होगा, मैंने पहले ही बताया था ये सेम डिस्टेंस होती है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगा 10:30, तो 10:30 कितना हो जाएगा, देखो एक्स अपॉन वाई, ऊपर वाला ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, ये छोटे वाला ट्रायंगल, और 10:30 होता कितना है 1/√3 एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू कितनी आ गई √3x। अब इस वाई की वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 8+x इक्वल टू √3x, यहाँ से x को इधर शिफ्ट करो, तो 8 इक्वल टू कितना हो गया √3x-x, x कॉमन ले लो तो कितना आएगा, देखो √3-1 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√3-1। अब मैंने तुमको बताया था अभी क्या, जब भी ऐसा आंसर होगा तो हम ऐसा आंसर नहीं देंगे, इसको रेशनलाइज फॉर्म में करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और नीचे √3+1 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी करो √3+1 ये x की वैल्यू है अपने पास में, तो मतलब ये यहाँ पे रखोगे 4√3+1, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी आ गई 8+4√3+1, ठीक है क्लियर। प्लस फोर रूट चाहो तो आप 4 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 2+ कितना √3+1, या फिर ऐसा कह सकते हैं अपन 3+√3 इस तरीके से, क्लियर। और देखो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इनके बीच में y, तो y कैसे निकालेंगे, देखो y की वैल्यू थी √3, सेम आएगा देख लेते हैं। यस सर, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री है, सेम आएगा। Yes, sir, same yes, 45 degree है ना? नहीं, हाँ हाँ, मतलब जो इसकी टोटल हाइट है वही इसकी हाइट आ जाएगी, तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यही आंसर क्या है अपना, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स आ जाएगी, समझ आ गया सबको, बोलो। यस सर, यस सर, आ गया, बोलो इसमें। हाँ किसी को डाउट है? नो सर चला गया, नो सर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े एरोप्लेन वाले, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करो सब,
200 root 3 minus 1 meter per second. Yes, 200 kitna? Root 3 minus 1 meter per second. Okay. Check karo, baki logo ka bhi answer aa raha hai ki same 200 root 3 minus 1. Yes, sir, yehi aa raha hai. Sabka aa raha hai answer? Yes, sir, 200 root 3 minus 200. Yes, sir. चलो इसका फोटो बनाता है। क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। है ना, मान लो यहाँ पे ऐसे एरोप्लेन है इस तरीके, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को बनाना है कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से इसका अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा था कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से है ये, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री के एंगल पे, क्लियर। अब आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड के बाद में ये उठ रहा था, तो क्या हुआ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो गया। क्या हो गया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो गया, तो ये उड़ के मार लो इस जगह आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे आगे आ गया, और इसका यहाँ से यहाँ आने में इसने कितना टाइम लगाया बताओ, 15 सेकंड का टाइम लगाया इसका, कितना 15 सेकंड। दूसरी साइड जाएगा, उस साइड जाएगा। अच्छा उधर बना दो, यस 30 डिग्री होगा ना, इसका मुंह उधर कर देते अपन से। तो ये उड़ के इधर की चला गया, यहाँ पे मान लो यहाँ आ गया, और इससे क्या हुआ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंज हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे हाइट तो सेम ही रहेगी, उसी हाइट पे उड़ रहा है ये, ऐसा तो बोला नहीं कि डिफरेंट हाइट आ गई, बस इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दिया अपन ने, कितना 30 हो गया अभी, ठीक है। और हाइट पहले भी एच थी और अभी भी हाइट कितनी है, एच है। आगे क्या लिखा है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, और क्वेश्चन में दे रखी है अपने को हाइट कितनी 3000, कितने मीटर पे वो उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है 15 सेकंड का टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बताना है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, अब तुमको स्पीड बतानी है इसकी भी। तो देखो स्पीड के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये पता लगाना पड़ेगा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और टाइम हमको दे रखा है इसने कितना 15 सेकंड, तो डिस्टेंस पता कर लो फिर निकल आइए, ठीक है। तो डिस्टेंस पता करो, तो देखो हमको है ना एक तो यहाँ से यहाँ तक पता करना पड़ेगा, और एक हमको यहाँ से यहाँ तक पता करना पड़ेगा, मान लो ये वाई है, पता करो सर। एक्स तो 3000 ही है। यस सर, 3000 रूट 3 माइनस 1 सर 45 डिग्री है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो 45 डिग्री का, अरे यार कहाँ से मजा नहीं, 1045 लगाओगे तो ये एक्स तो 3000 हो जाएगा। और देखो वाई निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वाले ब्लू वाले में लगाना पड़ेगा, तो 1030 लगा दो, 1030 इक्वल टू कितना बोलेंगे एच अपॉन वाई प्लस 3000, और 1030 होता कितना है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे बताओ, एच अपने को पता है ना कितना, तो वाई निकाल लो कितना हो गया सर 3000 होल रूट 3 माइनस 1, ये अपने पास वाई आ गया। तो यही तो अपने को डिस्टेंस पता, भाई डिस्टेंस कौन से पता करनी है भाई, जैसे मान लो पहले इस पॉइंट पे था वो, यहाँ से उड़ के यहाँ तक गया है, तो यही तो डिस्टेंस कवर किया उसने 3000 रूट 3 माइनस 1, तो डिस्टेंस तुम्हारे पास में आ गई 3000 रूट 3 माइनस 1, और टाइम तुमको पता है पहले से कितना 15 सेकंड, इसको सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा कितना रहा, हमारा जो भी आएगा कर लोगे ना 200 रूट 3 प्लस 1। ओके
एनसीईआरटी में इसमें शायद हाँ एक ही एक्सरसाइज रखी है 9.1 ही आई थिंक हाँ एक एक्सरसाइज है बस इसके क्वेश्चन कर लो ना क्वेश्चन नंबर टू करो एक ट्री है वो ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म सर ये रूट थ्री गया यस सर देखो क्या बोला है एक ट्री है तो वो क्या हो गया ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड है ना मान लो ये इस जगह से टूट गया और जब ये टूटा तो इसने क्या करा ग्राउंड को टच किया तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा यही तो टूट के नीचे की तरफ आया होगा ऐसे है ना ये जो है ये टूट के ऐसे आ गया नीचे की तरफ इस तरीके से ठीक है और ग्राउंड को टच कर रहा है ये आगे क्या लिखा है देखो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विदाउट विद इट तो ये यहाँ से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड मतलब फुट ऑफ द ट्री का है देखो ये इसका फुट है ट्री का एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड ये वाला पॉइंट इसकी बात कर रहा है ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास 8 मीटर है कितनी 8 मीटर तो हमको बताना है कि ट्री की हाइट कितनी है तो मेरे को एक चीज बताओ मेरे को टोटल बताना है बस या फिर यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस बताना है टोटल 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 हाँ टोटल बताना हाइट ऑफ ट्री बोला है ना इसका अंदर देखो तुमको ये मान लो ये एक्स है और ये वाई है तो तुमको एक्स और वाई दोनों निकालना पड़ेगा अब तुम बोलोगे वाई कहाँ से निकालो तो वाई वाला हिस्सा जो है तो तुम्हारा हाइपोटेनस तो तुमको हाइपोटेनस भी निकालना है और ये परपेंडिकुलर भी निकालना है तो निकालो परपेंडिकुलर तो इससे निकल जाएगा 10/30 लगाओ x अपॉन 8 तो कितना आ गया ये 1/√3 तो कितना हो गया 8/√3 तो x के लिए तो आ गया 8/√3 अब y निकालना है y के लिए मतलब मेरे को ये हाइपोटेनस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है तुम्हारा cos वाला cos 30 लगा दो 8/ कितना y और cos 30 कितना होता है तुम्हारा √3/2 तो यहां से देखो कितना हो जाएगा ये 16/√3 फाइनल क्लियर डाउट तो नहीं ना इसमें चलो और क्वेश्चन करते हैं अपन एक ही वाला क्वेश्चन करो क्वेश्चन नंबर 6 सर 32.91 मीटर सर 57.23 अपॉन रूट थ्री अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं भाई देखो सुनो एक सेम ही है सर 57/√3 19√3 अच्छा 57/√3 19√3 यस सर हाँ एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग मान लो ये अपने पास में 30 मीटर की बिल्डिंग है ना टॉल बिल्डिंग और
इससे वो जो है वो बॉय, बॉय की हाइट कितनी है बताओ, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, उस बॉय की हाइट दे रखी है अपने को, तो वो कुछ डिस्टेंस पे यहाँ से 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है वो खड़ा है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर की, क्लियर। अब आगे क्या लिखा है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ देखो समझो, कि यूं कह रहा है क्वेश्चन कि अभी जैसे मान लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ना, अब वो धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो जब वो बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो क्या हुआ, अभी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो कितना है 30, तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता गया, मान लो चल के थोड़ी कुछ डिस्टेंस पे आ गया, तो वहां पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 हो गया, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो गया, 30 से कितना हो गया 60 हो गया, तो कहां से देखो आई से, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, देखो क्या लिखा है इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, आई से बात कर रहा है ना, आई से मतलब यहां से, यहां से बात कर रहा है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ पहले तुम लोग, हाइट जो है पूरी 30 लो या फिर 28.5 लो बताओ, 28.5 बस यही बात समझने की इसमें, क्योंकि उसके आई से बात कर रहा है वो, उसके फुट से बात नहीं कर रहा बॉय के, उसके आई से तो देख रहा है वो, तो उसके आई से ये जब वो ऊपर वाले टॉप को देख रहा होगा तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज होना स्टार्ट कर रहा है ना, बात समझ आ रही है। टॉप ऑफ बिल्डिंग को जब देखता हुआ चल रहा है वो गाना गाते गाते, और यहाँ पे जब चलना स्टार्ट कर रहा है उसने, तो अभी मान लो यहाँ पे उसका एंगल है 30 और फिर चल के वो यहाँ पे आ गया किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे हो गया उसका एंगल कितना 60 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है देखो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो उसको हमको ये बता रहा है जैसे मान लो यहाँ पे था ए पॉइंट पे और अभी वो मान लो बी पॉइंट पे आ गया, तो हमको ये बताना है बस ए बी की डिस्टेंस कितनी, पूरा नहीं बताना हमको, हमको बस ए बी बताना है, क्यों, क्योंकि इसने ये तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना चला है बस वो बताना है अपने को, और टोटल हमारी हाइट जो थी वो कितनी थी 30, 30 में से इसकी हाइट कितनी है 1.5, मतलब रिमेनिंग हाइट कितनी बची 28.5, तो हमको जो भी काम करना है ना 28.5 के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मान लो ये एक्स है और ये पूरा कितना है वाई है ना, तो हम क्या करेंगे, और ये कितना हो जाएगा फिर अपना वाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो मैं छोटे वाले पहले तो इसमें लगा रहा हूँ 1060, तो 1060 अगर मैं लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 28.5 अपॉन वाई माइनस एक्स, होगा नहीं होगा बोलो, होगा और 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो y माइनस एक्स इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट थ्री, ओके क्लियर। अब तुम बड़े वाले ट्रेंगा में लगा लो 1030, तो जब 1030 लगाएंगे तो हम बोलेंगे कितना 28.5 अपॉन y, सिंपल सी बात, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 28.5 रूट थ्री है ना। अब ये y की वैल्यू तुम यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो तुमको y की वैल्यू जैसे रखोगे तो तुमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर x की मिल जाएगी, तो 28.5 रूट थ्री माइनस x इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट थ्री, इसको इधर फेंको और x को इधर फेंको, तो 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू x, इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना 28.5 कॉमन लेके, 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री आएगा 19 रूट थ्री मीटर। हाँ, किसी को दिक्कत है कि इसमें बोलो, नहीं है ना, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 15 बता देना, बता देंगे 7 करो एक बार, 15 बता दूंगा मैं, 7 ट्राई करो फिलहाल, क्या हो गया इससे, क्वेश्चन नंबर 7, सर 20 रूट 3 माइनस 1 सर ब्रैकेट 20 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 20 में और फिर ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 यस सर। किसी को बताना है कि क्वेश्चन या सब कर लोगे, इजी है, yes, किसी को बताना है, यस सर, ओके सर, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 करो, क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 करो. सर 20√3 सर हाइट ऑफ द पोल. हाँ देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो इसका मैं फोटो बनाता हूँ, कर तुम लेना. दो पोल है इक्वल हाइट के, है ना, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड. देखो क्या बोला है इसने कि दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है. दोनों की जो हाइट है वो सेम है लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, ऐसे इसने बोला है. विच इज 80 मीटर वाइड, इसका मतलब ये बोला हुआ है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है. जो दो पोल है इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके अब आगे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. अब इसने बोला क्वेश्चन में कि एक कोई भी पॉइंट है, ऐसा नहीं बोला एकदम बीच में, बस इसने बोला फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, बिटवीन देम बोला है, एकदम बीच में नहीं बोला, मिड पॉइंट. तो इसने बोला कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है. इस पॉइंट से क्या लिखा है देखो आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फॉल. एक सेकेंड रुको, हाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप ऑफ द पोल मतलब ये जो पोल है, एक पोल तो ये है और एक पोल ये है, तो तुम कोई सा भी पोल की तरफ ले सकते हो क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है. तो इसने बोला कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 60 और 30 हो रहे हैं, ठीक है. तो वैसे इसने रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो तुम चाहो तो पहले वाले को 60 लिख सकते हो, बाद वाले को 30 लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से. एंड लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको हाइट बतानी, दोनों की हाइट सेम है ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की अपने को डिस्टेंस बतानी है, कहाँ से इनके, कहाँ से पोल के पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट की पोल के पॉइंट से अपने को डिस्टेंस बतानी है. मान लो ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, कितना x पे, तो उस वाले पॉइंट उस वाले पोल के पॉइंट से कौन से, क्लियर. तो तुम क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में लगा देना, क्या लगाओगे, 10 60, तो 10 60 हो जाएगा एच अपॉन एक्स, और वहां से चाहो तो एच निकाल लो, और फिर यहाँ लगा देना 10 30, फिर यहाँ पे एच अपॉन 80 माइनस 6 लिख देना, फिर क्या करना है एच में निकाल लो, एच में इक्वेशन बना लो, एच सोल्व कर लो, फिर एक्स निकाल लेना. कर लोगे क्या, बोलो. यस सर. यस सर, हो गया. हाँ एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देखो सारे एक जैसे हैं, बस मैं क्या बोल रहा हूँ तुम फोटो सही से बना लो, और फोटो बना लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है. एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का भी फोटो बना लो, है ना, ओनली फोटो, फोटो बना के चेक कर लो कि बन रहा है नहीं बन रहा. बन रहा है yes, बन रहा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. अब देखो दिक्कत क्या है, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है, तो मान लो ये बिल्डिंग है अपनी और ये टावर है इस तरीके से, ठीक है. क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, है ना, तो बिल्डिंग का टॉप कहाँ पर है, ये फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया, फ्रॉम द टॉप क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 है, मतलब ये वाला एंगल 30 दे रखा है मेरा क्वेश्चन, क्लियर. आगे क्या लिखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप और इससे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के फुट पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 बन रहा है. सर यानी टावर बिल्डिंग से बड़ा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है ना, हमको फिलहाल नहीं पता है कि बड़ा है या छोटा है, बस हमने क्या करा, बना लिया अपने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. एक सेकंड रुको, हाँ हमको नहीं पता कि बड़ा है या छोटा है, हाँ हमको नहीं पता बड़ा है या छोटा है, बस हमने क्या करा ऐसे ले लिया अपने अकॉर्डिंग, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, तुमको निकल जाएगा अभी. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर, एक की हाइट तो हमको दे रखी है, हमको बस इसकी हाइट बतानी है, तो मान लो इसकी हाइट कितनी है, h है,
कितनी h, और बस लगा दो। क्या करोगे देखो, इस वाले में लगाना तो यहाँ से ये भी अपने को पता लगाना पड़ेगा बेस, मान लो बेस कितना है x, तो देखो इस वाले ट्रेंगल में लगाना पहले, क्या करोगे इस वाले ट्रेंगल में लगाओगे, क्या करना है तुमको x निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाओगे, 1060 लगाओगे, 1060 इक्वल टू होगा 50 अपॉन x, तो x निकल आएगा। जब x निकल आएगा तो फिर हम इस वाले ट्रेंगल में लगाएंगे, और x के लिए वहां रखेंगे तब जाके हमारे पास में इसकी हाइट आएगी। क्लियर? यस सर। यस सर। बस ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अब इसके बाद ये सेम टाइप की क्वेश्चन है, ऐसे मैं करवा चुका हूँ तुमको डायरेक्ट, उसमें फोटो भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक कर लोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो चाहो तो, 12 ट्राई कर लो, 12 कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। ठीक है, एक तो बिल्डिंग है और एक केबल टावर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये बिल्डिंग हो गई और ये मान लो केबल टावर हो गया अपना। क्या हो गया भाई, किसकी आवाज आ रही है? हाँ, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये अपने 7 मीटर की बिल्डिंग है और इसके टॉप से, इस टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। इस केबल टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है ना, कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो ये अपने को ऐसे बनाना पड़ेगा, ये 60 हो गया। क्लियर? आगे लिखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब यहाँ से इसी पॉइंट से हाई बिल्डिंग जो है ना 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसी के पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है इस फुट पे कितना, 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल है 45। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। क्लियर? तो हमको हाइट ऑफ टावर बतानी है, तो हाइट ऑफ टावर का मतलब ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 हो जाएगा, और ये अपने को ये पता लगाना पड़ेगा, ये x है मान लो, तो टोटल 7+x तुम्हारी हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर हो जाएगी। सॉरी, कर लोगे? बोलो। यस सर। हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 कर लोगे क्या, बन जाएगा सब फोटो? ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सी वाला, शिप वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 13 ट्राई कर लो एक बार, इसका फोटो बना लो बस। तो बना लिया, बन गया। 13 एज ऑब्जर्व, हाँ बन गया ना, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, है ना, 75 मीटर हाई, 75 मीटर का है अपना क्या लाइट हाउस। The angle of depression of the two ship are 30 and 45 degree. मतलब क्या बोला है, दो ship है, एक ये और मान लो एक ship ये है ना, लिखा भी है देखो, if one ship is exactly behind the other, एक के पीछे एक है, on the same side of the lighthouse, और मैंने इसलिए देखो दोनों तरफ, दोनों को एक ही तरफ बना दिया, वरना ऐसा बोलता कि दोनों अपोजिट साइड में, तो एक यहाँ बनता एक यहाँ पे बनता, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, दोनों एक ही तरफ है तो ऐसे बना लिया, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से, एक के पीछे एक है ना, तो हमको बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो मान लो ये x डिस्टेंस में एक दूसरे से, ये अपने को x निकालना। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 75 मीटर का तो ये है और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा है टू शिप्स का कितना, 30 और 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये जो पहले वाले की डिस्टेंस है शिप की कितनी रही होगी, 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा है तो ये 30, तो ये 30 हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद यहाँ से ये कितना दिया होगा तुमको, 45 डिग्री, इसका यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर? आगे कर लोगे, कर लोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर।
चलो अब यहाँ से अपने को सारे क्वेश्चन करने, 14, 15, 16 नहीं करना, ये तो इजी है, ये दोनों क्वेश्चन करो, पहले 14 करो। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वही क्वेश्चन वापिस है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ना, ये गर्ल ये देखो इसका फोटो भी दे रखा है बना हुआ, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है ना, मूविंग विद द विंड है ना, वो मूव कर रही है आगे की तरफ इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये पूरी जो डिस्टेंस देखी ना, इसमें लिखा नहीं है, ये पूरा देना चाहिए इसको, सर आ गया देखो ये जो डॉट डॉट लाइन बनी होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1.2 माइनस करना पड़ेगा, इट मींस कितना हो जाएगा 87 मीटर। तो 87 मीटर पे ये उड़ रहा है बैलून यहाँ से इसके आई से है ना। अब क्या है देखो, आई ऑफ द गर्ल एंड इट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब इस आई से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है अपने को इस बैलून का, एक तो 30 डिग्री और एक 60, मतलब क्या बोला इसने कि पहले मान लो गर्ल यहाँ पे खड़ी थी और इसका बैलून इस तरीके से यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पर उड़ रहा था। अब क्या हुआ, थोड़ा सा ये आगे चले तो इसका क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और ये बैलून जो है 30 डिग्री बना रहा है इस तरीके से। क्या लिखा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक में मान लो टी टाइम लगा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो हमको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑब्वियसली बात है उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, तो तुमको वही बताना है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है ना, इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, तुमको ये बताना है स्टेशन के अंदर, ठीक है। अब डिस्टेंस बताने के लिए देखो तुमको क्या पता करना पड़ेगा, बताओ डिस्टेंस क्या होता है, बताओ स्पीड इंटू टाइम है ना, स्पीड इंटू टाइम पता करना पड़ेगा। तो टाइम और स्पीड दोनों पता कर लो और फिर इसका आंसर निकालो, ठीक है। सर स्पीड क्यों निकालनी है और सर टाइम, तो टाइम और स्पीड निकालनी क्यों है, डिस्टेंस के साथ सर दोनों लेंथ को सर सबट्रैक्ट कर लेंगे ना। हाँ यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, वरना एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जहाँ पे स्पीड टाइम दिया होता है, तो देखो ये नीचे वाले क्वेश्चन में होगा, यहाँ तो तुम डायरेक्ट बस निकाल लो, मान लो ये लेंथ कितनी है एक्स और ये मान लो कितनी है वाई, तो बस अपने को वाई निकालना है, सिंपल सी बात, ये तो और इजी हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो टाइम वाइम से मतलब ही नहीं है, बस यहाँ क्या करना है अपने को, इस वाले में लगा दो 1060, तो ये हाइट कितनी है 87, तो 87 अपॉन कितना हो जाएगा x, और ये कितना रूट थ्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 87 अपॉन रूट थ्री, क्लियर, ये कितना हो गया 87 अपॉन रूट थ्री है ना। अब अपने को 1030 लगाना है, वो कितना होता है 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 87 अपॉन रूट थ्री प्लस y, ये बात समझ आएगी क्या, बोलो बस इसको सिंपलीफाई कर लेना और वाई निकाल लेना, वाई जो आएगा वही तो डिस्टेंस होगी उनकी द्वारा, बैलून की द्वारा जो कवर किया गया हो, बात समझ आ रही है, बोलो। हाँ 15 वाला ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है वो जो मैं तुमको कह रहा हूँ, यहाँ पे तुमको दे रखा होगा 15 बता देना। हाँ जिसको आता है वो करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फिर। सर कौन सा करना, क्वेश्चन नंबर 15 3 सेकंड आ गया, सही है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, एक इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं, पहले मैं इसका पूरा मेथड बताता हूँ तुमको, फिर अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर है ना, तो वो फुट ऑफ द टावर को लीड्स कर रहा है, ओके। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मान लो ये यहाँ पे ये टावर है और यहाँ पे मैन ऊपर की तरफ यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्व ए कार
एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ से कार चलती हुई आ रही है, ठीक है, गाने वाने बज रहे हैं उसमें, और कार चलती हुई आ रही है यहाँ पे इसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ, ठीक है, टावर की तरफ, और वो ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को किस एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कितना, 30 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 हो गया। अब हुआ क्या, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था इस जगह, तो आगे भी वो सेम उसी स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। आगे लिखा है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब क्या हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट करा उसने, और 6 सेकंड के बाद में मान लो चल के यहाँ कहीं आ गया होगा, 6 सेकंड के बाद में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे, और 6 सेकंड के बाद में वो चल के कहाँ पे आ गया, यहाँ कहीं आ गया। तो यहाँ तक चल के आने में क्या हुआ, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 60। तो अभी कितना एंगल हो चुका है, अब 60 डिग्री हो चुका है यहाँ पे, यहाँ तक आने में, है ना, क्लियर, बात समझ आ रही है, फोटो समझ आया तुमको, मेन फोटो है देखो, समझो उसमें, यस सर। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा है, हमको बताना है यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचने में कितना टाइम लगा हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम और लगा है, ये टाइम आपने को पता है, पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे स्पीड कैलकुलेट। तो देखो हमको हाइट पता नहीं है, तो हम हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 1060 लगाता हूं, सर निकालने की जरूरत, मैं वो दूसरा मेथड बताऊंगा जो तुमको कह रहे हो, है ना। अभी देखो मैं पूरे मेथड से बताता हूँ, 1060 कितना हो जाएगा, एच अपॉन कितना बताओ, एच अपॉन ये मान लो इस डिस्टेंस को कितना लो, मैं एक्स ले लू क्या सर, एक्स टी, इसको एक्स ले लेते हैं और ये मान लो वाई है, तो 1060 कितना होगा, एच अपॉन एक्स, और 1060 कितना हो जाएगा अपना रूट थ्री, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स रूट थ्री, ओके। अब पूरे में लगाऊंगा मैं 1030, तो 1030 कितना हो जाएगा मेरा, h अपॉन x प्लस y, क्लियर। तो अच्छा ये अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो जेड मान लो फिर स्पीड, तो 1030 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट थ्री एच अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्लियर। यहाँ से h निकाल लो, कितना जाएगा, x प्लस वाई अपॉन रूट थ्री। अब इन दोनों हाइट को सेम कर लो, तो x रूट थ्री एक्स प्लस वाई अपॉन रूट थ्री कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस वाई, क्लियर। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, y, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से y अपॉन 2, बात समझ आ रही, x की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन 2 आ गई। इसका मतलब याद है क्या है, यहाँ पे मान लो उसने y डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी x अपन ने क्या लिया था, हाँ डिस्टेंस लिया था ना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, y अपॉन 2, बात समझ आ रही है, ये कितना हो गया, एक्चुअली x जो है वो y अपॉन 2 हो चुका है। अब देखो समझना क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, यूनिफॉर्म स्पीड, तो तुमको पता होगा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बताओ डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया क्या, बताओ, अरे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया क्या। तो इसका मतलब देखो यहां से यहां तक आने में उसकी स्पीड आधी हो चुकी है, देखो ना यहां पे वाई स्पीड थी, सॉरी डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने में उसकी डिस्टेंस जो है आधी हो चुकी है, यहां पे डिस्टेंस कितनी थी उसकी वाई, और यहाँ डिस्टेंस कितनी हो चुकी है इसकी y अपॉन 2, अभी निकाला ना मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी डिस्टेंस जब आधी हो चुकी है तो टाइम भी तो आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ उसको 6 सेकंड लगेगा तो यहाँ कितना लगेगा, 3 सेकंड। ये मेथड है पूरा मेथड का, यस सर। अब इसका शॉर्ट मेथड देखो, तुमको बता दूं, वो याद है शॉर्ट मेथड क्या है, वो शॉर्ट मेथड जो है वो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 16 से बना हुआ है। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. इसका फोटो बनाता हूँ मैं पहले, देखो सुनो क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर इसका टॉप ही है, फ्रॉम टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 meter एंड 9 meter फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ध्यान रखना दोनों जो है बेस ऑफ द टावर से है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से 4 meter ये वाली, और एक पॉइंट और है उसकी भी बेस ऑफ द टावर से डिस्टेंस कितनी, 9 meter, क्लियर, और एंगल ऑफ एलिवेशन वही है ना, इस तरीके से। अब क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका ना याद है क्या है कि अगर एक एंगल मान लो अल्फा है तो दूसरा कितना है 90 माइनस अल्फा, ये है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि इस टावर की जो हाइट है ना वो 6 मीटर होगी। तो ध्यान रखना मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जब भी तुम्हारे को एंगल ऑफ एलिवेशन सुनना ध्यान से, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है तुमको क्या दे रखे हो, कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हो, जब भी तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है
कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हो, तो अगर मेरे को टावर की हाइट निकालनी है ना, तो हमेशा टावर की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। अब ए क्या होता है यहाँ पे देखो, ए होता है इस टावर के बेस से फर्स्ट वाले पॉइंट की डिस्टेंस, अब बी क्या होता है इस टावर के पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट की डिस्टेंस, तो कितनी है वो 4 × 9, इसका अंडर रूट कितना हो गया 2 × 3, तो देखो क्या 6 मीटर आता है क्या, यही हमको प्रूफ करना है क्या बोलो, है ना। तो ये तो इसका शॉर्ट मेथड है क्या, वरना तुम पूरे मेथड से निकालो वही सब कुछ लगा के उससे भी आ जाएगा। तो जब भी तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ए और बी ध्यान रखना टावर के बेस से होते हैं दोनों वाले पॉइंट के डिस्टेंस टावर के बेस से, है ना। अब इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो ध्यान रखना जब भी हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगल का सम कितना है 90, तो याद रखना हमेशा कि उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो है अगर 60 और 30 है तो ये 1:2 में डिवाइड होती है। क्या है 60 और 30 है तो 1:2 में डिवाइड होती है, मतलब जहां पे 60 है वहां पे 1 आएगा, जहां पे 30 है वहां 2 आएगा, ठीक है। अगर 30 यहां पे होता 60 वहां होता, मान लो वैसे वो पॉसिबल नहीं है कि 60 उधर की तरफ हो, 60 यही होना पड़ेगा, तो 60 और 30 इस तरीके से बनेगा जब भी तो। लेकिन देखिए ये ध्यान रखना ये 60 और 30 पे होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे नहीं होगा, ये ओनली 60 और 30 के लिए ट्रिक है कि जब भी एंगल 60 और 30 हो तुम्हारे पास में तो डिस्टेंस जो है 1:2 में डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है, देखो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में क्वेश्चन में 6 सेकंड, क्योंकि देखो हमारे पास में स्पीड तो कॉन्स्टेंट है ना, तो वापस से बात वही है कि मैं डिस्टेंस को टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं मेरे को, मैं डायरेक्ट टाइम में बता सकता हूँ। तो जब मेरे को पता है टाइम जो है 6 सेकंड लग रहा था, तो मतलब इसका मतलब क्या है 2 की वैल्यू 6 सेकंड थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकंड। क्या बात समझ आई, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड प्रोपोर्शन का, लेकिन कब अप्लाई होगा जब एंगल 60 और 30 होंगे, ओनली तब, ओनली व्हेन एंगल्स आर 30 और 60 डिग्री। सर h is equal to root a भी कैसे आया? हाँ ये तुम इसको प्रूफ कर सकते हो पूरा सॉल्यूशन करके, क्या इस वाले ट्रायंगल में लगाना 10 90 - α, वो cot थीटा वो किस तरह, हाँ वो सब कुछ होके वो तुम्हारा प्रूफ है इसका पूरा, वो ये फॉर्मूला बना हुआ है पूरा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो वहां से यही फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ a * b, ठीक है, तो वहां से आया है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बना दिया, ये इसका भी प्रूफ है क्वेश्चन से हुआ ही है, ठीक है। और ये अलग से जो मैंने तुमको समझाया जब भी एंगल 30 60 है तो इस तरीके से चाहे डिस्टेंस हो चाहे टाइम हो वो 1:2 में डिवाइड होता है जब हमारा स्पीड कॉन्स्टेंट हो, तो क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट होगा डिस्टेंस और टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तो वो एक दूसरे के रेशियो में डिवाइड होते हैं। क्लियर समझ आया सबको? तो बस ये चैप्टर खत्म हो गया, इसकी एक्सरसाइज कर लेना तुम लोग चाहो तो, वैसे मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो करवाई दिए लगभग, बचे हुए क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, ठीक है, और एक्सरसाइज के भी करने चाहो तो तुम लोग कर सकते हो सेक्शन ए सेक्शन बी वगैरह, ठीक है। क्लियर सर और कंस्ट्रक्शन का कब होगा? करवा देंगे कोशिश करते हैं कि अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट फेब में तो उसको मैं ऑफलाइन ही कराऊंगा। ओके सर, और नहीं होता है तो फिर ऑनलाइन पढ़ा देंगे सर, वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं, ठीक है।